Assalamu I am Dr. Maria Askar working in saida Khatuni Janath Hospital as an optometrist. First of all, now many of you are unfamiliar with the word optometrist. Now I would like to explain who are optometrists and what they can do. Optometrists are, you can say, an eye physician who can diagnose and prescribe you medicine and also the glasses number. ऑप्टोमेटिस जो हैं हमारे इदारे में जो हैं हमारे सोसाइटी में हैं अनफमिलियर हैं लेकिन ऑप्टोमीटिस कहने के ऑप्टोमोलोजिस्ट के बाद आते हैं नाउ टुडे मूव टू माय टॉपिक टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉज ऑफ वॉटरी आइज आपकी आंखों से जो पानी आता है उसके रीजन उसके कॉजेज़ क्या हैं आई वुड लाइक टू डप्लेन इट अकॉर्डिंग टू एज अकॉर्डिंग टू मेडिसन एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन काज अकॉर्डिंग टू एज अगर हम बच्चों में बात करते हैं कि उनकी आंखों से पानी क्यों आता है तो वो एन ब्लॉकेज की वजह से होते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं कह लें कि न्यू बॉर्न जो होते हैं या फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के होते हैं उनके अंदर जो पानी निकलने की वजूहत है वो ये है कि उनकी जो नेज़ो लैक्रमल डक्ट होती है नाक की जो नाली है वो बंद हो जाती है जिस वजह से जो टीयर्स होते हैं वो आंख के अंदर ड्रेन होने की बजाय आंख के बाहर ड्रेन हो जाती है अगर हम ओल्डर uh, पीपल की बात करते हैं तो डी की वजह से जैसे कि आपको तो सबको पता है कि एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ की डी हो जाती है मसल्स की डी हो जाती है जिस वजह से जो आईलिड है या आई है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाती और हमारे जो कहने के टर्स हैं वो ओल्डर एज में बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं अब बात करते हैं मेडिसन की अगर तो मेडिसन में आप कोई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द लीफलेट अगर तो आप लीफलेट पढ़ेंगे फिर ही आपको कंटेंट का पता लगेगा क्योंकि उसके अंदर क्या है अगर पाइलोकार्पिन है आपके किसी ड्रॉप में तो वो भी एक रीज़न है कि आपकी आंखों से पानी निकलता है अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जनरल मेडिसिन अगर उसके अंदर एपिनेफ्रीन है तो वो भी पानी निकलने की एक वजह है अगर कोई एक पेशेंट है जैसे वो कीमोथेरेपी करवा रहा है कैंसरस पेशेंट है तो उसकी आँखों से डेफिनेटली पानी नहीं निकलेगा क्योंकि कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं इसमें यह है कि एक उनकी आंखों से पानी निकलता है कॉमन काजेज़ जो हैं कॉमन काजेज़ की तरफ अगर चलें तो वो है एक एलर्जी ड्राई आई इन्फेक्शन्स फॉरन बॉडी सेंसेशन एंड वेदर वेदर कंडीशन में आ जाता है कि अगर आपका जो वेदर है वो विंटर है या समर है उस वजह से भी कुछ लोगों की आंखों से पानी निकलता है एलर्जी जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट अब हमारी जो प्रैक्टिस में है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि वो एलर्जी है उनको और वो किस रीज़न से डॉक्टर के पास जा रहे हैं आपको बेटर पता है कि आपको एलर्जी किस वजह से है कि कोई भी पॉलन है जैसे कि डस्ट है स्मोक है तो उस वजह से एलर्जी होती है जिस वजह से आपकी आंखों से पानी निकलता अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन की इन्फेक्शन जो है सेल्फ़ डायग्नोज है आपको पता होना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन है इन्फेक्शन का यह है कि अगर तो आपकी आँख में इन्फेक्शन है तो आपके वाटर डिस्चार्ज के साथ आपकी आँख में एक तो पेन होगी सेकेंड थिंग आपकी आँख में येलो कलर का या वाइट कलर का स्टिकी डिस्चार्ज होगा और जब आप सुबह को उठते हैं तो आपकी आँखें जुड़ी होती हैं स्टिकी डिस्चार्ज होता है आँखों में अब बात करते हैं ड्राई आई की डेट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न नाउ दिस डेज क्यों ड्राई आई होती है ड्राई आई इस वजह से होती है आजकल हम सब अपने मल्टीमीडिया गैजेट्स फ़ोन मोबाइल लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं जिस वजह से हमारा ब्लिंक क्रिएट कम हो चुका है ब्लिंक क्रिएट कम होने की वजह से हमारी जो आइज़ हैं वो ड्राई हो चुकी हैं ड्राइनेस से बचने के लिए तो ये है सबसे पहले आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करें एंटी ग्लेयर ग्लासेस होते हैं आपको किसी भी अच्छी ऑप्टिकल शॉप से मिल सकते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप तो अपने ग्लासेस अपना ना नंबर चेक करवाएं अगर तो आपको एरर हो रिफ्रेक्टिव एरर हो आई साइड वीक हो तो वो भी एक रीज़न है कि आपकी आंखों से पानी निकल सकता है सेकंड जो होती हैं एंटी ग्लेयर ग्लासेस वो जीरो पावर की होती है उसमें कोई नंबर नहीं होता ये है कि कोटिंग होती है जिस वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करेगी मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन से कंप्यूटर की रेडिएशन से और अपनी आइज़ को फ्रीकेंट वॉश करें और ड्राई आई के लिए ड्रॉप्स होते हैं जो आपका आई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है So, guys, this was my topic of discussion. If you have any question related to my topic, you can comment me or you can email me in the email address. Now, you have to subscribe our channel for more informative videos. Thank you.